पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड पर 66वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मानव जीवन में यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया। सोनीपत से आई विदुती संतोष बाला ने बताया कि सभी देवताओं का मुख अमृत वर्षा की तरह होता है, जो सब पर एक समान बरसता है, जिसके फल स्वरूप मानव जीवन में शांति को कायम करता है। तो वहीं पानीपत से आए श्याम श्री ने बताया कि यज्ञ करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सबको खुशी प्रदान करते हैं। इस दौरान प्रधाना सुदेश आर्य ने सबका स्वागत किया। मंत्राणी कमलेश गोयल ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमलेश गोयल, सविता सिंगल, प्रीत आर्य, लाल किशोर, पूनम शास्त्री, आशा जेमनी, वंदना सक्सेना आदि का सहयोग रहा। जी और उनके साथ में जो और लोग गए थे, वो सीता का पता करने के बाद में वापस आ गए। और पता करने के बाद में जब वापस आ गए, तो आकर के हनुमान ने राम को बता दिया कि वहां पर सीता इसी हालत में है, और ये कहकर के अपने स्थान पर चले गए, विश्राम के लिए चले गए। के बाद जामन जो है वो राम के पास आए और वो कहने लगे कि आपको जो है हनुमान ने जो पूरी बात को नहीं बताया। यानी पूरी बात क्या है कि ये वहां पर केवल सीता का पता नहीं लगा करके आए हैं, ये तो वहां पर लंका के अंदर जो है वो उसको आग से जला करके आए। तो उन्होंने हनुमान को बुलाया। 33 देवताओं के द्वारा भी जिसका दर्शन नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, महानगरी है। कसुम वीर तो लंका विद्यमान दशानन, हे वीर तुमने दशानन के होते हुए